CAA पर घिरी मोदी सरकार। CGI चंद्रचूड़ ने क्यों थमाया केंद्र सरकार को नोटिस। केंद्र असम सरकार से CGI ने क्या मांगा जवाब। पूरे देश में CAA लागू करना शायद मोदी सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की भरमार लगती जा रही है। एक बार फिर CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। इस याचिका पर CGI की अगुवाई वाली दो जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें CGI चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस JB पारदीवाला रहे। CGI ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस थमा दिया है। ये नोटिस भारतीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को थमाया गया है। इतना ही नहीं, असम सरकार से भी जवाब तलब करते हुए CGI की बेंच ने नोटिस थमाया है। सवाल ये है कि आखिर इस नई याचिका के जरिए CAA को लेकर क्या मांग की गई है। वहीं CGI ने नोटिस थमाते हुए केंद्र असम सरकार से क्या जवाब तलब किया है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका किसने डाली और उसके जरिए देश के सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग की गई है। दरअसल नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ गुवाहाटी के रहने वाले एक निवासी हिरेन गोहेन ने याचिका डाली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि पड़ोसी राज्य बांग्लादेश से असम में अवैध रूप से आ रहे प्रवासियों की अनियंत्रित संख्या की वजह से असम में बड़े स्तर पर जनसंख्या में बदलाव आया है। इसकी वजह से असम के कुछ इलाकों में तो राज्य के ही मूल निवासी, जो पहले कभी बहुसंख्यक थे, अब अल्पसंख्यक हो गए हैं। हिरेन गोहेन के वकील ने CGI की बेंच में याचिका में अपनी मांग को बताते हुए कहा कि CAA के नियम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि CAA साफ तौर पर भेदभाव करने वाला, एक तरफा, अवैध और संविधान की मूल संरचना के पूरी तरह से खिलाफ है। इस याचिका में ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि असम में अवैध बांग्लादेशियों के अनियंत्रित संख्या में आने का मुद्दा उठाना किसी भी तरीके से सांप्रदायिक नहीं है। CGI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस याचिका को गंभीरता से सुना, जिसके बाद CGI की बेंच ने आदेश दिया इस नई याचिका को भी इस लंबित मुद्दे की दूसरी अन्य याचिकाओं के साथ टैग कर लिया जाए। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और असम सरकार को CGI की बेंच ने नोटिस जारी कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि असम राज्य की सरकार और केंद्र सरकार इस नोटिस का क्या जवाब देती है, क्योंकि ये भारत के ही एक स्टेट से जुड़ा मामला है और विदेशी प्रवासियों की वजह से इस राज्य के लोगों के परेशान होने का सवाल भी इस याचिका में उठाया गया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।